सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची मुलागु मृदु, राहुल गांधी के साथ दिखा जनसैलाब। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर थरूर सहित 5 सांसदों को निष्पक्षता पर शक पत्र लिखकर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने लश्कर के टेरिटर मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, सोपोर में 2 आवर ग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसलमेर के तनोट मठ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंबई में लाल बागचा राजा की विदाई, गिरगांव चौपाटी में गणपति को किया गया विसर्जित। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई 16 सितंबर को, फैसले पर बटे दिल्ली हाई कोर्ट के जज का सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। असम के सीएम की सुरक्षा में चूक, हैदराबाद में हिमंत से माइक छीनने की कोशिश, मंच पर चढ़ा समर्थक। अमृतसर में युवक की हत्या से पहले का वीडियो आया सामने, मृतक हरमनजीत के साथ दिखी महिला। कश्मीर समाधान संबंधी याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी ग्रेजुएट पर लगाया 50,000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ में 2 और नए जिले, चुनाव के पहले सीएम बघेल ले रहे बड़े फैसले। राज्यसभा जाएंगे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब, बीजेपी ने उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। गणेश विसर्जन के दौरान 15 लोगों की डूबने से मौत, हरियाणा में 7 लोग डूबे, यूपी में 8 की जान गई। भाजपा का टीएमसी नेता पर वार, कहा राहुल गांधी की तरह सड़क पर होगी महुआ मोइत्रा। कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी पर राहुल का सस्पेंस, कहा तय कर चुका हूं मुझे क्या करना है, नहीं लड़ा तो आपको वजह बता दूंगा। नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार से इनकार। कानपुर के जाम में फंसी श्रीलंका लेजेंड्स की टीम, ग्रीन पार्क से होटल जा रही थी। बांदा में गणेश उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए केशव मौर्य बोले अखिलेश हार से बौखला गए। मोदी नगर में मुख्य हत्यारोपी गिरफ्तार, पेचकस से मारकर की थी महिला की हत्या। लखनऊ में प्रेमी के साथ पति की हत्या की, पत्नी के दुपट्टे से गले घोटा, चेहरा बिगाड़ने के लिए चढ़ाई बाइक। जौनपुर में नहीं मिले पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस के रोगी, सर्विस लांस के माध्यम से 14 रोगियों की पहचान।
नीतीश और अखिलेश के साथ साथ लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। यूपी में सरकारी किताबों के राष्ट्रगान से बंगाल गायब, प्रदेश भर में 1 से 8 तक बांटी गई किताबें। गोंडा में कूड़ा फेंके जाने पर हाई कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट, कोर्ट ने हटाने का दिया आदेश। युवक ने किया 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म, घर के बाहर खेल रही थी, बाला फुसला कर ले जाकर किया रेप। अमरोहा में युवक की पिटाई में 5 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मारपीट का वीडियो। विसर्जन के दौरान डूब रहे बच्चे को बचाने का वीडियो वायरल, झांसी में 5 बच्चे को डूबते देख कूदा युवक, 3 को बचाया। सुल्तानपुर में सरकारी दवाओं का खेल जारी, कूड़े के ढेर में पड़ी मिली मेडिसिन व ओआरएस का खोल। लखनऊ में कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट में काटा, ब्लीडिंग होने की वजह से केजीएमई में 2 दिन रहा भर्ती। हमीरपुर में हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बने पुलिसकर्मी, कर्मियों ने मिठाई बांटकर जताई खुशी। दिव्यांग को नहीं मिली ट्राई साइकिल तो पहुंचा कलेक्ट्रेट एडीएम के, निकल रही थी गाड़ी, बैरियर लगाकर रोका वाहन। उन्नाव में गैंगस्टर की 14 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क, लखनऊ की सरोजी नगर तहसील के गांव सिकुआ में हुई कार्रवाई। बहराइच में सड़क किनारे मिला पुजारी का शव, मुंह से निकल रहा था झाग, हत्या की आशंका। मुरादाबाद स्कूल जा रहे 2 छात्राओं की स्कूटी पर चढ़ाई कार, भीड़ ने कार सवार को युवक को पीटा। कानपुर में गंगा की धारा मोड़ पर यूपी पीसीबी का एक्शन, खनन पट्टा धारक पर लगाए जुर्माना। संत कबीर नगर में बीडीओ पर प्रधानों ने लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, बोले ब्लॉक का डोंगल दलालों के माध्यम से लग रहा है। हरदोई में नवनियुक्त एसडीएम ने गांव का किया निरीक्षण, आयुष्मान कार्ड और सूखा को लेकर गांव के लोगों से मिले। बुलंदशहर में प्रसव के समय महिला की मौत, प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने शौर्य कर किया हंगामा। शाहजहांपुर में बीडीसी मेंबर समेत शराब बनाते 2 गिरफ्तार, बोले आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। कुशीनगर में गलत इंजेक्शन से बिगड़ी बच्चे की हालत, जिला अस्पताल में रात में परिजनों ने किया हंगामा। जालौन पहुंचे मंत्री संजय निषाद, कस्तूरबा विद्यालय और महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। गाजियाबाद में पोड़ागिरी एक्सप्रेस में सिपाही ने चुराए टीटी का बैग, ट्रेन में टिकट नहीं होने पर टोका था, खुन्नस में उठा ले गया।
पुलिस की गोली लगने से गैंगस्टर घायल। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबोचे दो ट्रांसफार्मर चोर, अवैध हथियार बरामद। केजरीवाल की शराब नीति, यूपी वालों को पड़ी भारी। गौतम बुद्ध नगर में पकड़ी गई 35 लाख की शराब, 235 को भेजा गया जेल। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा, डिवाइडर से टकराकर उछलकर पलटी स्विफ्ट डिजायर कार। जालौन में भगवान राम पर की गई टिप्पणी, बजरंग दल और भीम आर्मी आई आमने सामने, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, मैदान के बाद अब प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी खुलेंगे सैनिक स्कूल। देहरादून में 100 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या, बचाव के निर्देश न मानने पर 14 स्कूलों को नोटिस। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, मंसूरी में ठंड पड़ने के साथ छाने लगा कोहरा। उत्तराखंड में 4 महीने में 11 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, चारधाम यात्रा के इतिहास में बना नया रिकॉर्ड। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से बदलेगा सरकारी स्कूलों के खुलने का समय, शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिया निर्देश, परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कर भर्ती परीक्षा शुरू करे आयोग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सटे नेपाल सीमा पर फटा बादल, काली नदी में झील बनने से तबाही, दर्जनों मकान बहे। उत्तराखंड में छवि पर दाग न लगने देने की सीएम धामी की मुहिम, मंत्रिमंडल में किया जा सकता है फेरबदल। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर चालक को आई झपकी, मुंबई के 4 तीर्थयात्रियों की गई जान। पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने एक और आरोपी दबोचा, वीडियो भर्ती परीक्षा की जांच एसटीएफ को ट्रांसफर। उत्तराखंड में किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड सुद्धू वाला जेल में बंद व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत, स्वजन ने दून अस्पताल में किया हंगामा। उत्तराखंड सरकार की झोली भर रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, हर महीने कराता है 60 से 70 लाख की आय। उत्तराखंड में हृदय घात से यमुनोत्री में महिला तीर्थयात्री की मौत, चारधाम में 238 यात्री तोड़ चुके हैं दम। ताइवान को कई देशों का साथ, जंग के खतरनाक अंजाम की आशंका के बीच ड्रैगन को संयम की सलाह। इमरान की नई धमकी, जेल भेजेगा तो हो जाऊंगा खतरनाक आतंकवाद, मामले में गिरफ्तारी का भय।
बाढ़ की तबाही से कई साल पीछे पहुंचा पाकिस्तान, दाने दाने को मोहताज हुई जनता। दुश्मन देश पर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है उत्तर कोरिया, नए कानून पर यूएन चीफ ने जताई चिंता। पुतिन के एक इशारे से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध, यूक्रेनी जनरल की चेतावनी, अब परमाणु हथियारों की बारी। किंग चार्ल्स तृतीय का देश के नाम का पहला संबोधन, बोली विलियम और केट प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स होंगे। पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण टीम पर फिर हमला, खैबर पख्तूनख्वा में हुई गोलीबारी। एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया गन सैल्यूट, लंदन पहुंचे किंग चार्ल्स द्वितीय, बर्मिंघम पैलेस से बाहर भारी भीड़। जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, कहा रूसी कब्जा छुड़ाकर आपूर्ति लाइन पहुंच रहे यूक्रेनी सैनिक। सऊदी अरब में नया मिलिट्री बेस खोलेगा अमेरिका, ईरान के हमले के डर से एकजुट हुए दोनों देश। टाटा बनाएगा आईफोन, टाटा आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। गूगल ने गलत तरीके हासिल किए एक अधिकार, एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों को हर साल दे रही अरबों डॉलर। ऑल इलेक्ट्रिक महिंद्रा एक्सयूवी 400 रिवील, सिंगल चार्ज में 456 किलोमीटर चलेगी सीएसयूवी कार। ई कॉमर्स के खिलाफ 3 साल में 6 गुना बड़ी शिकायतें, इस साल 48% शिकायतें ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़ी। ट्विटर ने व्हिसल ब्लोअर से की 70 लाख डॉलर में डील, मास्क बोले सौदा तोड़ना कारण ये भी है। वैध एप्स की सूची बनाएगा आरबीआई, वित्त मंत्री ने गैर कानूनी एप्स पर सख्ती की रूपरेखा तैयार की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा रेल के पहियों का निर्यात करेगा भारत। ड्रीमफ्लोक्स ने लिस्टिंग डे पर दिया 56% रिटर्न, 182 रुपए बढ़कर 508 रुपए पर लिस्ट हुआ। हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, कहा दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम बढ़ी है ईंधन की कीमतें। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट, 23 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। बाबा ने अंपायर को बताया मैं कप्तान हूं, कीपर रिजवान ने बिना पूछ लिए ले लिया डीआरएस। विराट कोहली को लेकर गंभीर के कड़वे बोल, कोई और होता तो नहीं मिलता टीम में मौका। यूएस ओपन में सचिव भारतीय दिग्गजों की महफिल, एमएस धोनी और कपिल देव ने एक साथ देखा क्वार्टर फाइनल।
मांजरेकर ने सुनाए पाक पेसर से जुड़ा मजेदार किस्सा, कहा आपकी नजर लग गई इसकी वजह से हुआ। खराब फॉर्म पर बाबर आजम के तीखे बोल, कहा कहीं नहीं लिखा कि मैं पाकिस्तान के लिए हर मैच में रन बनाऊंगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच का वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान, टी20 में बने रहेंगे कप्तान, रविवार को खेलेंगे आखिरी वनडे। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, 11 सितंबर को दोनों देशों के बीच खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल। यूएस ओपन में विमेंस में मिलेगी नई चैंपियन, वर्ल्ड नंबर 1 के इगा स्वियातेक और नंबर 5 में ओसू जेबू ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई। सुरेश रैना ने वापसी का किया ऐलान, तो महान ब्रायन लॉरा ने कहा प्लीज हमारे खिलाफ आराम से खेलना। अजिंक्य रहाणे ने दिए वापसी के बड़े संकेत, 24 बाउंड्री के साथ जड़ा दोहरा शतक, पृथ्वी शाह ने भी ठोकी सेंचुरी। ब्रह्मास को लेकर कंगना का करण पर हमला, आप झूठ बेचने की कोशिश करते पर अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। पोर्नोग्राफी केस से बरी होना चाहते राज कुंद्रा, प्रोसिक्यूशन बोली उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ट्विटर पर जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करने की मांग, अपकमिंग कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर के नाम पर मचा बवाल। ब्रह्मास के स्पेशल स्क्रीनिंग पर साथ पहुंचे रणबीर और आलिया, कपल को देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। द लॉयन किंग के प्रीक्वल का ऐलान, डिज्नी ने रिवील किया मुफासा का पहला लुक। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई काजोल, पेपराजी को देख तेज चलने लगी, बोली दिखाओ कितने फिट हो तुम लोग। महारानी 2 का फनी बीटीएस वीडियो वायरल, टीम के साथ मस्ती करती दिखी हुमा कुरैशी, 25 अगस्त को रिलीज हुई थी ये फिल्म। सूर्या 42 का मोशन पोस्टर हुआ आउट, पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन ग्लोबल होगी फिल्म। यशोदा का टीजर हुआ आउट, प्रेग्नेंट महिला के रोल में नजर आएंगे सामंथा, 5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। असम की शॉर्ट फिल्म आस्कर रेस में हुई शामिल, कॉलेज प्रोजेक्ट में तैयार की गई थी 15 मिनट की फिल्म। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।